ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग। सो बिफोर स्टार्टिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वी मस्ट हैव टू रिमेंबर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, जो हमारा परम्यूटेशन है या फिर कॉम्बिनेशन है वो डराइव हुआ है किससे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। बिफोर दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। ओके, सो सपोज वी हैव थ्री थिंग्स, फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी, थर्ड इज सी। ओके, वी हैव थ्री थिंग्स। नाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ आर अ वे ऑफ अरेंजमेंट। ओके, ए नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बोथ आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट। परम्यूटेशन इज अ स्पेशल अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज जस्ट अरेंजमेंट। बट इसे परम्यूटेशन इज अ स्पेशल अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज अ जस्ट अरेंजमेंट। वाई आई सेड दैट, सी आई वॉन्ट टू अरेंज दैट, हाउ कैन वी अरेंज दैट? सपोज आई हैव टेकन टू एट अ टाइम, आई हैव थ्री थिंग्स, यहाँ मेरे पास थ्री थिंग्स है और किसी दो को लेकर के हम सजाना चाहते हैं इसको, तो किस तरीके से हम इसको अरेंज कर पाएंगे? ए बी एक अरेंजमेंट हुआ है हमारा, ओके, दूसरा ए सी और तीसरा बी सी, क्या इसके अलावा कोई अरेंजमेंट बन सकेगा हमारा? हेलो, तो इसके अलावा हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं बन रहा है। अच्छा, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, बी ए रिपीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ए सी ए एंड सी बी, दिस आर ऑल्सो अरेंजमेंट्स। नाउ समवन विल से ए बी एंड बी आर बोथ आर सेम, वाई वी रिपीट दैट? ए सी एंड सी ए आर सेम, वाई वी रिपीट? बी सी एंड सी बी आर सेम, वाई वी रिपीट? सो आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल, सपोज आई एम गोइंग टू चूज अ मॉनिटर, टू बॉयज मॉनिटर और टू वन बॉय वन गर्ल मॉनिटर। सो देर आर टू प्लेसेस हियर, देर आर टू प्लेसेस हियर, फर्स्ट फॉर बॉय और गर्ल, अ बॉय और बॉय। नाउ अभी हमने क्या किया, यहाँ पे मॉनिटर चूज किया है, एक मॉनिटर इधर एक मॉनिटर इधर। अच्छा, अब इस मॉनिटर को हम बोले कि आप जाइए राइट में खड़ा हो जाइए, और इस मॉनिटर को हमने कहा आप जाइए लेफ्ट में खड़ा हो जाइए, ठीक है? तो क्या मॉनिटर का सेट बदल जाएगा? अभी भी आपके लिए वही दो मॉनिटर है, तो ये केस जो है इसमें लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देन दिस केस इज नोन एज कॉम्बिनेशन। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो स्पेशल नहीं है, आप बस अरेंज करना है आपको, ठीक है? और वो एक अलग यूनिक होना चाहिए, ठीक है? उसमें लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ रहा। आई एम गिविंग सम अनदर एग्जाम्पल, सपोज आई एम गिविंग देर आर अगेन टू प्लेसेस, सपोज यू आर गोइंग टू मैरी, ओके, शादी में बैठे हुए हैं। अभी आपका पंडित जी आपको बोले कि आप लेफ्ट में बैठ जाइए, सो आई डोंट नो लेफ्ट राइट, ठीक है? जहाँ भी सपोज ब्राइड को और ब्राइडरूम को लेफ्ट एंड राइट का एक फिक्स पोजिशन होता है, पंडित ने कहा कि आपको लेफ्ट में बैठना है दूल्हे को, और जो दुल्हन होगी आपकी उसको बोले हैं कि आप राइट में बैठ जाइए। ओके, ये बाल हो गए, बहुत ख़राब है मेरा, ठीक है? तो उसको बोला राइट में बैठ जाना है। सो दिस इज़ वन अरेंजमेंट फॉर पंडित। नाउ आप इधर बैठिए और दूल्हे को इधर आने दीजिए, ठीक है? तो ये पंडित के लिए क्या हुआ? दूसरा अरेंजमेंट हुआ। अगर गलती से दुल्हन यहाँ बैठ गया और दूल्हा यहाँ बैठ गया तो पंडित क्या शादी नहीं करवाएगा? मतलब उसके लिए अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट का फर्क पड़ता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशल अरेंजमेंट। एंड दैट स्पेशल अरेंजमेंट इज नोन एज परम्यूटेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नाउ यू आर क्लियर विद द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, व्हाई दिस आर टू थिंग्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन इज अ स्पेशल अरेंजमेंट, वेयर एज
कॉम्बिनेशन इज ए जस्ट अरेंजमेंट. सो इफ वी हैव ए बी ए सी बी सी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन सेट. बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ए बी एंड बी आर ट्रीटेड सेम, इन बी आर ट्रीटेड सेम, दिस आर टू आर सेम इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस आर टू अरेंजमेंट्स बिकॉज ऑफ लेफ्ट राइट सिचुएशन, दिस आर ट्रीटेड एज टू अरेंजमेंट, दिस इज ए सी. And if I applied here CA, this will be different arrangement for what? Permutation. But in case of combination, this will be same arrangement and same CB. So this is the difference between permutation and combination. Are you copied that? Okay. Yes. Copy kar liya? Okay, okay. Copy, sir, dikh nahi raha. Dikh nahi raha means? 90 wala hai. साइन थीटा, साइन थीटा वाला चेक.